ऑल ओके। सो हेलो एवरीवन, दिस इज शशांक तिवारी फ्रॉम द महाकाल ट्यूटोरियल्स कॉरियर एंड आई वंस अगेन वार्मली वेलकम टू ऑल ऑफ यू हु आर वाचिंग दिस वीडियो। सो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम लोग नाउन एंड केस को कवर करने वाले हैं, क्लियर? क्योंकि ये थोड़ा सा स्टूडेंट्स को ज़्यादा टफ लगता है, तो इसको हम एक ही लेक्चर में कवर करेंगे, यानी कि इसके पार्ट नहीं बनाएंगे, इसको एक ही लेक्चर में पूरा नाउन एंड केस कवर कर देंगे। मे बी शायद वीडियो थोड़ा सा लेंथी हो जाए, बट आप लोग इसको एंड तक देखना, फिर आपको नाउन एंड केस में कभी इशू नहीं रहेगा। आई अश्योर यू, 100% अश्योर यू, क्लियर है? सो विल नॉट वेस्ट मच टाइम, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि राइटिंग पे फोकस मत करना, वैसे तो मैंने मेंशन कर दिया है, बट आई टू आई कॉन्टेक्ट रखना और जो बोलूँ उसको ध्यान से सुनना, टॉपिक इजिली क्लियर हो जाएगा, क्लियर? सो टॉपिक हमारा व्यूअर्स आज का द नाउन एंड केस। तो पहले हम लोग नाउन के बारे में बात करते हैं कि नाउन क्या होता है। ऑलराइट, तो बेसिकली सबको पता होगा कि अ नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग एंड क्वालिटी, कंडीशन और एक्शन, क्लियर? जो नाउन क्या होता है, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग, किसी व्यक्ति, वस्तु का, नाम का जगह, और जो क्वालिटी, कंडीशन और एक्शन होती है उन्हें भी नाउन कहा जाता है। अगर ये डेफिनेशन समझ में नहीं आई तो एक सिंपल सा माइंड में सेट कर लो कि सी, फील एंड टच, मीन टू से जिसको हम देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं और टच कर सकते हैं, वो सारी की सारी चीजें नाउन है। मीन टू से ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज नाउन, क्लियर? यानी कि लगभग सारी चीजें ही नाउन है, यानी कि नेमिंग वर्ड्स आर नाउन, जिनका नाम है, क्लियर, वो भी क्या है, नाउन। बट हम लोग अब बात कर रहे हैं केस की, क्लियर? यहाँ पे जब मैं पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन का चैप्टर कवर करूंगा तब उसको और डीपली एक्सप्लेन कर दूंगा। यहाँ पे आप फिलहाल इतना समझ लो कि नाउन क्या होता है, तो बस माइंड में इतना रखना जिसको देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं और टच कर सकते हैं, वो सारी चीजें नाउन है। ऑलराइट, अब बात करते हैं केस की, यही इंपॉर्टेंट है। जो स्टूडेंट्स हमारे हिंदी में होते हैं ना कारक, उन्हें इंग्लिश में केस कहा जाता है, यानी कि कर्ता ने कर्म को, करण से, संप्रदान को, के लिए, अपादान से, द्वारा, ये वाली जो चीजें, इन्हीं को हम लोगों को इंग्लिश में पढ़ना है। ऑलराइट, तो पहला देखो केस क्या होता है उसके बारे में बात करते हैं। तो केस, सो द रिलेशन ऑफ अ नाउन और प्रोनाउन टू अनदर वर्ड इन अ सेंटेंस, क्लियर? क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है कि किसी भी सेंटेंस में जो नाउन और प्रोनाउन होते हैं उसका उस सेंटेंस में दूसरे वर्ड से क्या रिलेशन है, क्लियर? उसका दूसरे वर्ड से क्या रिलेशन है, उसे बोला जाता है केस, क्लियर? एंड आगे क्या बोल रहा है, अ नाउन और प्रोनाउन कैन बी इन द, जो भी हमारे नाउन और प्रोनाउन है वो सेंटेंस में क्या हो सकते हैं, या फिर किस तरीके का काम करते हैं, या फिर उनका फंक्शन क्या है, ठीक है, कितने रूप में वो आ सकते हैं, उनके बारे में बात कर रहे हैं। यही है केस के टाइप्स के अंदर आ जाएंगे, ठीक है? अब पहला इसमें स्टूडेंट्स नॉमिनेटिव और सब्जेक्टिव केस, यानी कि नॉमिनेटिव केस बोल लो या सब्जेक्टिव केस बोल लो, बात एक ही है। दूसरा है ऑब्जेक्टिव केस, इसी को हम लोग एक्यूसेटिव केस भी कहते हैं, क्लियर? ऑब्जेक्टिव केस को क्या बोलते हैं, एक्यूसेटिव केस। नेक्स्ट स्टूडेंट्स डेटिव केस, और चौथा है हमारा वोकेटिव केस, और पांचवा है केस इन अपोजिशन, और लास्ट वाला है पॉजिटिव केस या फिर जेनेटिव केस, इसी को क्या बोला जाता है, जेनेटिव केस। तो ये छह के छह टाइप के जो केस हैं स्टूडेंट्स, ये हम इस लेक्चर में कवर करेंगे वन बाय वन। तो पहले हम बात करने वाले हैं नॉमिनेटिव केस और ऑब्जेक्टिव केस की, क्लियर? तो देखो इसको समझने के लिए हम लोगों ने एक एग्जांपल लिया, यहां पे लिखा एग्जामाइन द सेंटेंस, क्लियर? मोहन ब्रोक अ चेयर, मोहन ने कुर्सी तोड़ी, क्लियर? अब इस सेंटेंस में क्या क्या हो रहा है, सब्जेक्ट कौन है हमारा, दिख रहा है मोहन, वर्ब कौन सी है, ब्रोक, अलग ही दिख रहा है जो एक्शन हो रहा है, आर्टिकल हमारा ये है अ, और चेयर ये ऑब्जेक्ट है और नाउन भी है। अब क्या हो रहा है इन दिस सेंटेंस, इस सेंटेंस में क्लियर क्या कह रहा है वो, मोहन इज द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब ब्रोक, जो मोहन है वो वर्ब ब्रोक का सब्जेक्ट है, क्लियर? इस सेंटेंस में जो मोहन है वो वर्ब ब्रोक का सब्जेक्ट है, क्लियर? आगे क्या कह रहा है, व्हेन अ नाउन और प्रोनाउन, जब भी नाउन और प्रोनाउन, क्लियर, इज यूज एज द सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब, जब भी कोई नाउन या प्रोनाउन वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में काम आती है या फिर वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में आती है, इट इज सेड टू बी इन द नॉमिनेटिव केस, तब हम उसे कहते हैं नॉमिनेटिव केस, क्लियर है? आई होप कि समझ में आया होगा, नहीं आया हो तो एक बार फिर सुन लो। क्या हो रहा है, हमने एक एग्जाम्पल लिया नॉमिनेटिव केस को समझने के लिए, क्लियर? क्या है वो, मोहन ब्रोक अ चेयर, मोहन ने कुर्सी तोड़ी। अब इस सेंटेंस में पहले पता कर लो कि कौन कौन सी चीजें हैं। तो मोहन सब्जेक्ट है हमारा,
क्योंकि मैंने आपको जब सब्जेक्ट वर्ब यानी कि जो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट पढ़ाया था तो आपको बता दिया था कि सब्जेक्ट क्या होता है और प्रेडिकेट क्या होता है। तो हम लोग सब्जेक्ट आइडेंटिफाई करने के लिए हु का क्वेश्चन करेंगे तो सब्जेक्ट मिल जाता है। तो मोहन ब्रोक अ चेयर इन दिस सेंटेंस, इस सेंटेंस में क्या हो रहा है, मोहन इज द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब ब्रोक। जो वर्ब हमारी ये है, जो वर्ब है ब्रोक, ये इसका सब्जेक्ट है। तो क्या है, जब भी व्हेन अ नाउन और प्रोनाउन, जब भी कोई नाउन और प्रोनाउन इज यूज्ड एज द सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब, क्लियर, जब भी कोई नाउन और प्रोनाउन किसी वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में यूज हो जाती है, इट इज सेड टू बी इन द नॉमिनेटिव केस, और उसे हम लोग नॉमिनेटिव केस कहते हैं। क्लियर, आगे क्या बोल रहा है, नोट इंपॉर्टेंट डाल के यहां पे लिखा है, टू फाइंड द नॉमिनेटिव केस, यानी कि किसी भी सेंटेंस में हमें अगर नॉमिनेटिव केस पता करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, व्हाट वी नीड टू डू, क्लियर, तो पुट द क्वेश्चन हु फॉर लिविंग, यानी कि अगर लिविंग होगा तो हु क्वेश्चन करना, किससे, वर्ब से, और आगे क्या कह रहा है, फॉर और व्हाट फॉर नॉन लिविंग, और अगर नॉन लिविंग होगा तो व्हाट क्वेश्चन करेंगे, बिफोर द वर्ब्स, किससे, वर्ब से पहले, ऑल राइट, एंड द आंसर विल बी द नाउन इन नॉमिनेटिव केस, और जो हमें आंसर मिलेगा वो क्या कहलाएगा स्टूडेंट्स, वो कहलाएगा नॉमिनेटिव केस का नाउन। ऑल राइट, आई होप कि ये समझ में आया होगा। फिर से देख लो, किसी भी सेंटेंस में नॉमिनेटिव केस को फाइंड करने के लिए क्या करना है, हु क्वेश्चन करना है, किससे, लिविंग वाले से, और व्हाट क्वेश्चन करना है, नॉन लिविंग वाले से, के बिफोर द वर्ब, वर्ब से पहले, यानी कि वर्ब से ही क्वेश्चन करना है, एंड द आंसर विल बी द नाउन इन नॉमिनेटिव केस, और जो भी आंसर आएगा नाउन वो हमारा नॉमिनेटिव केस होगा। आई होप कि ये समझ में आया होगा। अब दूसरे केस की बात करते हैं, यानी कि हमारा ऑब्जेक्टिव केस। ऑलराइट, ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो अब हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव केस की, कि व्हाट इज ऑब्जेक्टिव केस, क्लियर। तो बिफोर स्टार्टिंग द ऑब्जेक्टिव केस, एक छोटी सी टर्म रह गई थी नॉमिनेटिव केस की, पहले उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं ऑब्जेक्टिव केस, क्लियर है। तो क्या था वो पॉइंट, वो देखते हैं। तो द नॉमिनेटिव कम्स बिफोर द वर्ब, बिल्कुल करेक्ट है कि जो भी नॉमिनेटिव केस का नाउन होता है वो वर्ब से पहले आता है, क्लियर। बट स्टूडेंट्स, नॉट ऑलवेज, पर वो हमेशा नहीं आता है, समटाइम्स सेंटेंस विल बी डिफरेंट, कभी कभी सेंटेंस भी अलग होंगे, क्लियर। जैसे कि एग्जाम्पल में लिया है, इज राम हैप्पी, यहां पर ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, दूसरा है हियर इज राम, क्लियर। तो इस सेंटेंस में क्या हो रहा है, ऑलरेडी इंट्रोगेटिव की जो एग्जाम्पल हेल्पिंग वर्ब हमारी इस पहले आ गई, तो वहां पर तो नॉमिनेटिव केस का नाउन पहले नहीं आया ना वर्ब से, ऑलरेडी वहां वर्ब भी पहले आ गई है। दूसरा है हियर इज राम, यहां पे वर्ब के बाद में नॉमिनेटिव केस का नाउन आ रहा है, क्लियर। तो ये चीज आप ध्यान रखना कि वर्ब से पहले तो आता है नॉमिनेटिव केस का नाउन, पर वो हमेशा नहीं आता, क्लियर। नाउ वी विल टॉक अबाउट व्हाट इज ऑब्जेक्टिव केस, क्लियर। तो ऑब्जेक्टिव केस को समझने के लिए हमने सेम एग्जाम्पल लिया ताकि चीजें बहुत आसानी से समझ में आ जाएंगी, क्लियर। तो क्या था एग्जाम्पल हमारा, कि मोहन ब्रोक अ चेयर, मोहन ने कुर्सी तोड़ी, ऑलरेडी वी नो दैट मोहन इज अ सब्जेक्ट एंड ब्रोक इज अ वर्ब और इज अ आर्टिकल एंड चेयर इज अ ऑब्जेक्ट इन दिस सेंटेंस, क्लियर। इस सेंटेंस सबको पता है कि मोहन हमारा सब्जेक्ट है, क्लियर, ब्रोक हमारी वर्ब है, आर्टिकल और चेयर हमारा ऑब्जेक्ट है। सो क्या कह रहा है, इन दिस सेंटेंस, इस सेंटेंस में चेयर इज द ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब ब्रोक, जो चेयर है वो वर्ब यानी कि वर्ब ब्रोक की ऑब्जेक्ट है, क्लियर है। जैसे कि मोहन ब्रोक चेयर, इसमें क्या है, जो चेयर है वो वर्ब ब्रोक की ऑब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है, करेक्ट है। अब क्या आया आगे, व्हेन अ नाउन और प्रोनाउन, जब भी कोई नाउन और प्रोनाउन, ठीक है, इज यूज्ड एज द ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब, जब भी कोई नाउन या प्रोनाउन वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में काम आती है, इट इज सेड टू बी इन द ऑब्जेक्टिव केस, क्लियर, इट इज सेड टू बी इन द ऑब्जेक्टिव केस और एक्यूसेटिव केस, तब उसे कहा जाता है ऑब्जेक्टिव केस या ऑब्जेक्टिव केस का नाउन, क्लियर है। आई होप ये समझ में आया होगा। आगे क्या कह रहा है वो देखो, फाइंड आउट द ऑब्जेक्टिव केस इन एनी सेंटेंस, यानी कि किसी भी सेंटेंस में हमें ऑब्जेक्टिव केस को कैसे फाइंड करना है। तो वी नीड टू डू ओनली टू थिंग्स, हमें दो चीजें करने की जरूरत है उसके लिए, कि पहली चीज तो स्टूडेंट्स, हुम क्वेश्चन करेंगे हम वर्ब से पहले, अगर हमारा ऑब्जेक्ट जो है लिविंग होगा, डब्ल्यू एच ओ एम होम, और दूसरा डब्ल्यू एच टी व्हाट क्वेश्चन करेंगे अगर हमारा ऑब्जेक्ट नॉन लिविंग हुआ, क्लियर। यहां पे ये लिखा है कि फाइंड आउट द ऑब्जेक्टिव केस होम फॉर लिविंग एंड व्हाट फॉर नॉन लिविंग, क्लियर, बिफोर द वर्ब, वर्ब से पहले करेंगे, क्लियर है, एंड द आंसर विल बी द नाउन इन द ऑब्जेक्टिव केस, और जो भी आंसर हमें मिलेगा नाउन वो हमारा ऑब्जेक्टिव केस होगा, क्लियर है। एग्जाम्पल ले लेते हैं उसका, तो एग्जाम्पल में क्या लिखा है, इसी को इंट्रोगेटिव में चेंज कर लो तो क्या बनेगा, व्हाट डिड मोहन ब्रेक, मोहन ने क्या तोड़ा, आंसर मिलेगा चेयर, मोहन ने कुर्सी तोड़ी, क्लियर। तो क्या कह रहा है आगे,
चेयर इज इन द ऑब्जेक्टिव केस, उसमें जो चेयर है वो ऑब्जेक्टिव केस है। आगे क्या है, द ऑब्जेक्ट जनरली कम्स आफ्टर द वर्ब, जो भी ऑब्जेक्ट होता है वो वर्ब के बाद में आता है, करेक्ट है, ठीक है। बट आगे इसमें एक और क्या बात बोली गई वो देखो, जनरली मीन्स स्टूडेंट सामान्यतः, सामान्यतः तो ऑब्जेक्ट वर्ब के बाद में आता है, बट कभी कभी क्या होता है सिचुएशन डिफरेंट होती है, जैसे कि यहां पे हुई थी, तो ये भी देख लो क्या कह रहा है, इंपॉर्टेंट डाल के मेंशन किया गया है इसको यहां पे, अ नाउन विच कम्स आफ्टर अ प्रीपोजिशन, जब भी कोई नाउन या जब नाउन प्रीपोजिशन के बाद में आती है तब इज आल्सो सेड टू बी इन द ऑब्जेक्टिव केस, तब भी उसे ऑब्जेक्टिव केस ही कहा जाता है। बट आगे क्या बता रहा है वो देखो, द नाउन बीइंग द ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रीपोजिशन, उस समय जो नाउन होता है वो प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा होता है, या फिर हम ये बोल सकते हैं उस समय जो नाउन होता है वो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है, क्लियर। एग्जाम्पल दिया हमने, शी गोज टू मोहन, क्लियर, और रीड इट फ्रॉम द बुक, वह मोहन के पास जाती है, और दूसरा है रीड इट फ्रॉम द बुक, इसे किताब में से पढ़ो, क्लियर। इस सेंटेंस में क्या हो रहा है, मोहन एंड बुक आर इन द ऑब्जेक्टिव केस, मोहन और बुक दो है ऑब्जेक्टिव केस है, कैसे है वो देखो, क्योंकि मोहन जो है वो प्रीपोजिशन टू का ऑब्जेक्ट है, और यहां पर ये जो बुक है ये प्रीपोजिशन फ्रॉम का ऑब्जेक्ट है, क्लियर है। ऑलरेडी यहां मेंशन किया गया है इज द ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रीपोजिशन टू एंड बुक इज द ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन। तो बेसिकली कहने का मतलब क्या है कि जो ऑब्जेक्टिव केस है वो वर्ब के बाद में आता है, बट अगर वो प्रीपोजिशन के बाद में आता है तो वो प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा होता है, या फिर वो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है, क्लियर। तो ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, तो यहां पर हमने सेम एग्जांपल लिया था, सिंपल सी ट्रिक आप याद देख रहे हो ना, कि व्हेन अ नाउन और प्रोनाउन, जब भी कोई नाउन और प्रोनाउन वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में काम करता है या कर रहा होता है तो हम उसे ऑब्जेक्टिव केस कहते हैं, क्लियर। आई होप कि समझ में आया होगा। और फाइंड आउट करने के लिए आपको बताएं हुम और व्हाट दो टाइप के क्वेश्चन करना है, बिफोर द वर्ब, वर्ब से पहले, एंड द आंसर विल बी द नाउन इन द ऑब्जेक्टिव केस, और जो भी हमें आंसर मिलेगा वो हमारा ऑब्जेक्टिव केस कहलाएगा। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट केस के बारे में बात करते हैं। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो अब हम बात करते हैं डेटिव केस की, यानी कि डेटिव केस क्या होता है, क्लियर। ये स्टूडेंट्स को थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है, तो स्टूडेंट्स ध्यान से देखना, ट्रस्ट मी आपको चीज बहुत आराम से और अच्छे समझ में आ जाएगी, क्लियर। तो डेटिव केस को समझने के लिए हमने दो एग्जाम्पल लिए, क्लियर। देखो क्या लिखा है, नाउ कंपेयर द टू सेंटेंस हैविंग द सेम मीनिंग, यानी कि हमने यहाँ पे दो सेंटेंस लिए हैं जिनका मतलब सेम है, क्लियर। बस कहने का तरीका यानी कि लिखने का तरीका डिफरेंस है, लेकिन मतलब उसका सेम है। कैसे, वो देखो, पहला सेंटेंस है ही गेव अ पेन टू मोहन, यानी कि उसने पेन मोहन को दिया, और दूसरा है ही गेव मोहन अ पेन, उसने मोहन को पेन दिया, क्लियर। दोनों का इंटेंशन सेम है कि पेन किसको दिया जा रहा है, मोहन को ही। अब क्या कह रहा है वो ध्यान देना, इन द फर्स्ट सेंटेंस, यानी कि इस वाले सेंटेंस में, इन द फर्स्ट सेंटेंस पेन इज द ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब गेव, ये जो पेन है ये क्या है, ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब गेव का, यानी कि ये जो वर्ब है गेव इसका ऑब्जेक्ट है, और मोहन, मोहन इज द ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब प्रीपोजिशन टू, ये जो प्रीपोजिशन टू है इसका ऑब्जेक्ट है हमारा मोहन। आई होप यहां तक समझ में आया होगा। आगे देखो, इन द सेकेंड सेंटेंस, यानी कि इन द सेकेंड सेंटेंस बोथ मोहन एंड पेन, ये मोहन एंड पेन, क्लियर, इसके बारे में बात हो रही है। तो मोहन एंड पेन आर ऑब्जेक्ट्स ऑफ द सेम वर्ब गेव, यानी कि जो मोहन और पेन है ये सेम वर्ब जो कि गेव है उसके ऑब्जेक्ट है, क्लियर, यानी कि पेन। आगे क्या कह रहा है वो देखो पहले, ठीक है, कहां तक पहुंच गए हम लोग, गेव तक। पेन इज द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब गेव, एंड मोहन इज द इनडायरेक्ट ऑफ द वर्ब गेव, यानी कि यहां पर क्या हो रहा है, जो पेन है ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है वर्ब का गेव का, और जो मोहन है ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है किसका, सेम वर्ब गेव का, क्लियर। आई होप कि यहां तक समझ में आया होगा। आगे देखो क्या कह रहा है, द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पेन इज सेड टू बी इन द ऑब्जेक्टिव केस, जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पेन है इसे बोला जाएगा ऑब्जेक्टिव केस, क्लियर, एंड द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मोहन, और ये जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है सेकेंड सेंटेंस है मोहन, क्लियर, इट इज सेड टू बी इन द डेटिव केस, इसे बोला जाता है स्टूडेंट्स डेटिव केस, यानी कि जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है उसे, क्लियर, ये वाला इसको ध्यान देना, ठीक है। मैं अभी और एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा। आगे देखो, अदर एग्जांपल हमने लिए हैं, गिव राधा अ पेन, सॉरी गिव राधा अ बुक, और दे मेड मोहन अ ड्रेस, क्लियर। लेकिन पहले इसको एक बार और समझ लो कि डेटिव केस क्या होता है।
तो दो एग्जांपल लिए थे हमने, ही गेव अ पेन टू मोहन और दूसरा ही गेव मोहन अ पेन, क्लियर। अब दूसरे वाले की बात करते हैं, इसमें क्या हो रहा है, जो मोहन और पेन है ये एक ही वर्ब गेव के ऑब्जेक्ट है, क्लियर। जो पेन है ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और जो पेन है ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और जो मोहन है ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, किसका, सेम वर्ब गेव का, क्लियर। तो जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है स्टूडेंट्स, उसी को बुलाता है डेटिव केस। अब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, बेसिकली इसके ऊपर पैसिव वॉइस बहुत से आते हैं एग्जाम में, तो एक चीज ध्यान रखना, किसी भी सेंटेंस में जो लिविंग चीज होती है उसे बोला जाता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और नॉन लिविंग को बोला जाएगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो पेन जो है नॉन लिविंग था इसलिए उसे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहा गया, और जो मोहन था ये लिविंग है इसलिए हमने क्या बोला इसको, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। आई होप कि ये समझ में आया होगा। तो इस टाइप के सेंटेंस आते हैं, डेटिव केस मोस्टली यहीं से पिक किया जाता है। तो आगे क्या बता रहा है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इन द डेटिव केस, यानी कि जो भी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं डेटिव केस में डिनोट्स, वो बताते हैं क्या, द पर्सन टू होम समथिंग इज गिवन, उस बंदे को या कुछ दिया जा रहा है, ठीक है, फॉर होम समथिंग इज डन, या फिर उसके द्वारा कुछ किया जा रहा है या फिर उसे कुछ किया जा रहा है, इस प्रकार की बातें डेटिव केस में होती है। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा, सिंपल सा फंडा है। इस टाइप के आपको एग्जाम्पल मिलेंगे, क्लियर, एग्जाम्स में, या आपको फाइंड आउट करना हो प्रैक्टिस के लिए, तो उसमें जो भी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा उसे हम बोलेंगे डेटिव केस, क्लियर। और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, जो लिविंग होता है, क्लियर। आई होप कि ये समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट केस के बारे में बात करते हैं। ऑलराइट स्टूडेंट्स, सो अब हम नेक्स्ट केसेस के बारे में बात करते हैं। पहला यहाँ पे वोकेटिव केस और दूसरा है केस इन अपोजिशन। वन बाय वन दोनों को समझते हैं, बहुत सिंपल है और बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। तो वोकेटिव केस क्या होता है, तो एग्जामाइन द सेंटेंस, क्लियर। यहाँ पे कुछ हमने एग्जाम्पल लिए, उस एग्जाम्पल की हेल्प से हम लोग वोकेटिव केस को समझने की कोशिश करेंगे, क्लियर। पहला है राम कम हियर, दूसरा है सिट डाउन बॉयस, और थर्ड है डेथ आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ यू, क्लियर। ध्यान से देखना, राम कम हियर, सिट डाउन बॉयस एंड डेथ आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ यू, क्लियर। ये तीन एग्जाम्पल हमने यहां पर लिए हैं। तो क्या कह रहा है, हियर राम बॉयस एंड डेथ, ये यहां पर राम और बॉयस और यहां पर डेथ, क्लियर। फॉर एड्रेसिंग अ पर्सन और थिंग, यानी कि इन तीनों का यहां पर यूज किया जा रहा है कैसे, किसी को एड्रेस करने के लिए, किसी को बुलाने के लिए, किसी को पुकारने के लिए, क्लियर, यानी कि किसी का ध्यान अट्रैक्ट करने के लिए। आई होप कि समझ में आया होगा, ध्यान से देखना। तो क्या कहने का मतलब है, ये राम बॉयस एंड डेथ आर यूज फॉर एड्रेसिंग अ पर्सन और थिंग, आगे अ नाउन यूज टू एड्रेसिंग, यानी कि अ नाउन यूज टू एड्रेस अ पर्सन और थिंग इज इन द वोकेटिव केस, यानी कि वो तब वोकेटिव केस में होगा जब हम उनको बुला रहे हैं, यानी कि बुलाने वाले वर्ड्स अलग हैं, यानी कि किसी का ध्यान अट्रैक्ट करने वाले वर्ड्स अलग हैं, जैसे कि राम कम हियर, ये बुलाने वाला वर्ड्स था कम हियर, लेकिन बुलाया किसको जा रहा है, जोर से आवाज देकर, राम कम हियर, तो ये जो रहेगा यहां पर, और सिट डाउन बॉयस, और ये जो बॉयस है, और डेथ आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ यू, जिसको बुलाया जा रहा है, जिसका ध्यान अट्रैक्ट करने के लिए बोला जा रहा है, वो होता है स्टूडेंट्स वोकेटिव केस, क्लियर, वो हो जाएगा वोकेटिव केस का नाउन, क्लियर। तो ध्यान से देखना, वही बात यहां पर बताई गई है कि डेथ, हियर राम बॉयस एंड डेथ आर यूज्ड फॉर एड्रेसिंग अ पर्सन और थिंग, इन तीनों का यूज किसी को एड्रेस करने के लिए बोला जा रहा है, और अ नाउन यूज टू एड्रेस अ पर्सन और थिंग इज इन द वोकेटिव केस, जो मैं आपको बता चुका हूं कि जब इनका यूज एड्रेस करने के लिए होता है किसी को, अट्रैक्शन, ध्यान अट्रैक्शन करने के लिए, या फिर जब बुलाने के लिए होता है, तब वो वोकेटिव केस का नाउन कहलाता है, क्लियर। इट इज ऑल्सो कॉल्ड द नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस, और इसे हम क्या कहते हैं, नॉमिनेटिव केस के अलावा इट इज ऑल्सो कॉल्ड द नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस, नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस भी इसे कहा जाता है। आगे क्या लिखा, राम बॉयस एंड डेथ आर इन द वोकेटिव केस, यहां पर राम, डेथ और जो बॉयस है वो क्या है, वोकेटिव केस है। आई होप कि ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट केस की बात करते हैं। नेक्स्ट केस लिखा है यहाँ पे केस इन अपोजिशन, तो ये बहुत सिंपल है। अभी मैंने जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की एक सीरीज लगाई थी, फोर्थ वाली जो सीरीज थी हमारी, फोर्थ वाली, उसमें मैंने एक एग्जांपल दिया था, वो जैसे कि दिनेश द फ्रेंड ऑफ शशांक, ठीक है, दिनेश द फ्रेंड ऑफ शशांक इज काइंड हार्टेड,
यहां पर वो एग्जांपल लिखा था। तो दिनेश और फ्रेंड ऑफ शशांक है तो एक ही बंदा, क्लियर। अब इस एक बंदे का यहां पे क्या रोल है केस में वो देखना। तो एग्जामाइन द सेंटेंस, यहां पे हमने कुछ एग्जांपल लिए हैं, राम माय ब्रदर केम, और दूसरा है कॉल मोहन द डॉक्टर। क्लियर, ध्यान से देखो एग्जांपल, राम माय ब्रदर केम और दूसरा है कॉल मोहन द डॉक्टर। अब क्या बोल रहा है, ब्रदर एंड डॉक्टर, ब्रदर एंड राम, यानी कि ये जो ब्रदर है ये वाला और राम, एंड डॉक्टर एंड मोहन, ये जो डॉक्टर है और ये मोहन, आर वन एंड द सेम पर्सन, वो है तो सेम ही ना। यानी कि भले वो बोल रहा कि राम माय ब्रदर केम, राम मेरा भाई आ गया, उसका भाई का नाम तो राम ही है ना, और इधर ये क्या बोल रहा है कॉल मोहन द डॉक्टर, यानी कि जो डॉक्टर है उसका नाम क्या है, मोहन है। तो बेसिकली बात क्या हो रही है वो देखो, तो ब्रदर एंड राम एंड डॉक्टर एंड मोहन आर वन एंड द सेम पर्सन। क्लियर, ब्रदर कौन है राम और डॉक्टर कौन है मोहन। आई होप यहां तक समझ में आया होगा। आगे देखो, सो व्हेन अ नाउन फॉलोज अनदर नाउन और प्रोनाउन डिनोटिंग द सेम पर्सन, जब भी कोई नाउन या प्रोनाउन दूसरे नाउन और प्रोनाउन को फॉलो करती है, लेकिन जिसको फॉलो करती है वो सेम ही होता है, क्लियर। बट डिस्क्राइबिंग द पर्सन फर्दर, वो आगे एक्सप्लेन करती है, मैंने आपको बताया अभी, इट इज सेड टू बी इन द केस इन अपोजिशन, तो उसे क्या बोला जाएगा, केस इन अपोजिशन। और वो जो केस इन अपोजिशन है वो नाउन प्रोनाउन और कोई फ्रेज भी हो सकता है, जैसे कि यहां पर बोला था कि इसको साफ साफ लिख देते हैं तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो दिनेश द फ्रेंड ऑफ शशांक इज वेरी काइंड, हालांकि वो साफ साफ लिख ही नहीं पाया यार मैं, बट आप समझ लेना उसको, ठीक है। मैं बोल रहा हूं ध्यान से देखना कि दिनेश द फ्रेंड ऑफ शशांक इज वेरी काइंड हार्टेड, ऑल राइट। तो यहां पर क्या मतलब है, जो दिनेश है द फ्रेंड ऑफ शशांक है तो वो एक ही बंदा, क्लियर। अब क्या बात हो रही है, जब इस बंदे को थोड़ा और आगे फर्दर एक्सप्लेन किया जाए तो ये वाला जो वर्ड रहेगा इसे बोला जाएगा नाउन इन अपोजिशन, क्लियर। आई होप कि समझ में आया होगा। और अपोजिशन का मतलब क्या होता है, नियर, जो कि मैंने आपको बताया, अपोजिशन का मतलब है प्लेसिंग नियर, यानी कि जस्ट इसके बाद में प्लेस में वो आ रहा है। एक बार फिर समझ लो, थोड़ा अगर टफ लगे तो, बेसिकली केस इन अपोजिशन होता है क्या, उसके लिए हमने दो एग्जांपल दिए कि राम माय ब्रदर केम और कॉल मोहन द डॉक्टर, यानी कि यहां पर राम और ब्रदर एक ही है और यहां पर मोहन और डॉक्टर एक ही है। तो जब भी कोई एक नाउन दूसरे नाउन को आगे फर्दर फॉलो करता है, उसके बारे में और डिटेल में बताता है, तो उसे हम बोलते हैं नाउन इन अपोजिशन, क्लियर। आई होप समझ में आया होगा। और वो बंदा सेम ही रहता है, जो भी यूज नाउन इन अपोजिशन केस में यूज हो रहा है वो बंदा सेम है, जैसे कि दिनेश द फ्रेंड ऑफ शशांक, तो यहाँ पे जो द फ्रेंड वर्ड यूज हुआ वो किसके लिए यूज हुआ है, वो ऑल ऑब्वियसली दिनेश के लिए यूज हुआ है, और उसका फ्रेंड किसका है, वो शशांक का। ये फ्रेंड और दिनेश है तो एक ही ना, आई होप कि समझ में आया होगा। और अपोजिशन का मतलब क्या है, यहाँ पर अपोजिशन का मतलब है प्लेसिंग नियर, यानी कि ये है इसके पास में, इसको साथ में ऐड किया गया। एक और देख लो, माय राम माय ब्रदर, ठीक है, ऐसे ही कॉल मोहन द डॉक्टर, प्लेस पास में ही किए जा रहे हैं। आई होप कि ये समझ में आया होगा आपके। नेक्स्ट और लास्ट वाले केस के बारे में आगे बात करते हैं। ऑल राइट स्टूडेंट्स, तो अब हम बात करते हैं पॉजिटिव केस या फिर जेनेटिव केस की। बोथ आर सेम, दोनों का मतलब एक ही है कि पॉजिटिव केस क्या होता है या फिर जेनेटिव केस क्या होता है। तो बेसिकली पोजेशन मीन्स क्या होता है, यानी कि किसी चीज के ऊपर अपना अधिकार प्रकट करना, क्लियर, उसी की बात यहां पर होगी। बहुत सिंपल है, आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो एग्जांपल हमने क्या लिया है, राम ब्रोक मोहन्स बैट, राम ने मोहन का बैट तोड़ दिया। अब क्या कह रहा है, द बैट बिलोंग टू मोहन, ये जो बैट है ये मोहन से बिलोंग करता है, यानी कि मोहन का बैट है, ठीक है। इट इज मोहन हु पजेस द बैट, ये वो मोहन ही है जिसका उस बैट के ऊपर अधिकार है, क्लियर। आगे क्या कह रहा है, That is why we say Mohan's bat. इसलिए हम कह रहे हैं कि ये मोहन का बैट है, क्योंकि वो मोहन का बैट है, मोहन का उस पर अधिकार है, क्लियर। इट इज मोहन हु पजेस्ट द बैट, यानी कि मोहन ने उस बैट पर अपना अधिकार बताया, ठीक है, इसलिए हम उसको बोल रहे हैं कि वो मोहन का बैट है। आगे क्या कह रहा है, द नाउन मोहन इज चेंज टू मोहन्स, जो नाउन था मोहन वो चेंज हो गया किस में, मोहन्स में, बाय एडिंग अपोस्ट्रोफीस, बाय एडिंग, यानी कि मोहन जो मोहन्स में चेंज हो गया, कैसे चेंज हुआ,
apostrophe s को एड करने के बाद में क्या कह रहा है आगे, द नाउन मोहन्स इज सेड टू बी इन द पॉजिटिव केस, तब जो मोहन है जो apostrophe s चेंज में हुआ है, ठीक है, यानी कि तब जो नाउन था, पहले मोहन था फिर जो मोहन्स हुआ, तो मोहन्स वाला जो है सेड टू बी इन द पॉजिटिव केस, उसे बोला जाएगा पॉजिटिव केस, ठीक है, एज द नाउन मोहन्स शोज पोजेशन और ऑनरशिप, और जो मोहन है वो उस बेड पर अपना अधिकार बताएगा। तो बेसिकली क्या कहने का मतलब है कि जो पॉजिटिव केस होता है, जब एक नाउन दूसरे नाउन पर अपना अधिकार बताए तो उसे बोला जाता है पॉजिटिव केस, क्लियर। यानी कि यहां पर इस सेंटेंस में एक नाउन था मोहन और एक नाउन था बेड, बोथ आर नाउन्स, ठीक है, ये वाला नाउन इस वाले नाउन पर अपना अधिकार बता रहा है, ठीक है, और अधिकार बताने के लिए वो क्या यूज कर रहा है, apostrophe s, बेसिकली अधिकार प्रकट करने के लिए हम लोग ऑफ का यूज भी करते हैं, तो इसलिए इसको क्या बोला गया है, पॉजिटिव केस, यानी कि पोजिशन, यानी कि किसी चीज पर अपना अधिकार प्रकट करना, अधिकार जताना, क्लियर, तो उसे बोला जाएगा पॉजिटिव केस, क्लियर। एक बार और देख लो कि राम ब्रोक मोहन्स बैट, ठीक है, इसमें बैट जो था वो मोहन को बिलोंग करता है, इसलिए हमने उसको क्या बोल दिया, मोहन्स बैट, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि पैसिव केस क्या होता है, बेसिकली इतना समझ लेना कि जहां पर apostrophe s लग जाए वहां पर पैसिव केस होगा, और जहां पर ऑफ लग के सेंटेंस होते हो वहां पर भी पैसिव केस होता है, क्लियर। तो ऑल राइट स्टूडेंट्स, इसमें एक चीज और रह गई है जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, नेक्स्ट इन द सेंस ऑल्दो यहाँ पे केसेस पूरे कंप्लीट हो चुके हैं, बट एक स्पेशल टर्म आती है इसमें कि हाउ पैसिव केस इज फॉर्म्ड एंड यूजेस ऑफ पैसिव केस, यानी कि जो पॉजिटिव केस है वो कैसे बनते हैं और उनके यूजेस क्या हैं, तो उनके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, क्लियर है। यहां पर आपके सारे केसेस ओवर हो जाते हैं, यानी खत्म हो जाते हैं। तो इसी के साथ स्टूडेंट्स हमारा आज का लेक्चर यहाँ पे ओवर होता है, और एक लास्ट में हमेशा की तरह रिक्वेस्ट कि अगर आपको वीडियो ये पसंद आए तो प्लीज 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 चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में, अपने जानने वालों के साथ में, और बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे आपको सारे नोटिफिकेशन जो आने वाले वीडियोस के हैं वो मिल जाएंगे। ऑल राइट, टिल देन सभी को गुड नाइट, बाय बाय, और जय श्री महाकाल बच्चों।